उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। जय उत्तराखंड, वैश्व बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वैश्व बुलेटिन खबर। दसौली से चमोली के दसौली विकासखंड के ग्विल गांव में आत्मनिर्भर स्वरोजगार को लेकर चमोली जनपद के ग्विल गांव के समीप बंजर खेतों में सब्जी फसलें और फलदार वृक्ष लगाकर आत्मनिर्भर बनकर एक मिसाल कायम की है। जो कभी बंजर धरती हुआ करती थी, लेकिन यहाँ नेपाली मूल के संदीप बहादुर ने खेती करके रोजगार की एक मुहिम छेड़ी है। उनका कहना है कि फसलें और सब्जी तो उगाते ही हैं, लेकिन जंगली जानवरों से हमें भी नुकसान हो रहा है। आपको बताते चले, यह कोई पहला मामला नहीं है। पौड़ी के भी कई खबरें हमने आपको दिखाई है, जिसमें हमने बताया है कि हमारे पास ज़मीनें काफ़ी है, परंतु हम सुविधाओं के लिए इनको छोड़कर नौकरी के लिए निकल गए हैं। लेकिन पौड़ी की बात कहें तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर नेपाली मूल के लोग सब्जियां उगाकर मार्केट में बेचकर अपना पेट पालन कर रहे हैं, चाहे वह छोटी सी झुग्गी में रहते हैं। ऐसा ही मामला चमोली के ग्विन गांव का है। हम लोगों को यह समझना होगा कि अपनी बंजर खेती को आबाद करना है, और आजकल की जो योजनाएँ हैं, अगर हमने मिलकर हम विकास खंड से कृषि योजनाएं, बागवानी योजनाओं के लिए सुविधाओं को ले, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन में आप सभी लोगों का स्वागत है, और लोकेंद्र राव जो कि गोपेश्वर में। आज हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की हम लोग बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारा पहाड़ है, हमारा देवभूमि है, और देवभूमि में पशुपालन को लेकर के, कृषि को लेकर के, और जो अन्य व्यवसाय की हम लोग बात करते हैं। हमारे ठीक पीछे देखिएगा, कैमरे को उस तरफ ले जाएं, यहाँ पर कुछ साल पहले बंजर भूमि हुआ करती थी, लेकिन आज जो यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हैं, चाहे वो अमरूद के बगीचे हैं, चाहे वो आपके पीछे ये मक्का है, और उसके पीछे आप लौकी है, बैंगन है, तरह तरह की जो सब्जियां हैं, जो खेत, जो खलियान है, जो हरे भरे हरियाली है। एक जो दाम्पत्य है, और माता जी भी हमारे साथ में हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति है जिनके द्वारा ये कृषि जो खेती की जा रही है, उसे हम जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा संदीप है सर। अच्छा, तो यहाँ पर कभी इस खेतों में जी बंजर भूमि हुआ करती थी? हाँ, शायद थी होगी पहले, मेरे करने से कहने से पहले था होगा। तो आप कितने सालों से आप यहाँ पर ये खेती कर रहे हैं? यहाँ पर खेती सर अभी तो मेरे को हो रहा है 6 साल करीब हो रहा है। इससे पहले भी 6 साल में यहीं था, तो बीच में मैं 5-6 साल थोड़ा उस साइड में चल गया था। जी, तो लगाइए आप। इसमें क्या फसल है, क्या क्या मतलब सब्जियां हैं, और क्या क्या इसमें आपने उगा रही है? जी जी, अभी तो सब्जी तो हमने उगाना, तो जैसे टमाटर हुए, बैंगन हुआ, तुड़ाई हुआ, करेला हुआ, कद्दू हुआ, खीरा हुआ, मकई हुआ, ये आइटम हम सभी उगाते हैं, सब लगाते हैं, क्योंकि अब ये सब्जी का मतलब सीजन चले गया है। जी, अब लास्ट हो गया है। कितनी एकड़ जमीन पे आप यहाँ पे वो कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं? एकड़ का तो उतना मुझे भी अंदाज नहीं है सर, यहाँ कुछ नहाली नू के हिसाब से कहते हैं तो होगा। पानी की पर्याप्त मात्रा? जी, पानी का पर्याप्त तो पूरा है। फसलों को कुछ नुकसान? नुकसान तो अब होता ही है सर, कभी सब्जियों में बीमारी पकड़ देता है, कभी जैसे ये लगाइए अभी मक्की लगा रखा है, तो ये अभी डेली मतलब ये सुंगार हुआ, सोलह हुआ, ये मतलब जानवर मतलब रात को नुकसान करते हैं। दिन में भी हल्का फुल्का तो बंदर बुंदर तो ये आते ही है, पर ये है कि दिन का जानवर तो देखा जाता है। और कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, और दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं है, पर ये तो होते रहता है सर ना, तो दिन रात का जानवर से थोड़ा परेशानी है, तो क्या कर सकते हैं। क्या नाम बोला आपने अपना? जी, संदीप। संदीप, जो यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, और खेती के साथ साथ तमाम जो समस्याएं आती हैं, समस्याओं का निराकरण होना भी अति आवश्यक है। जी, माता जी भी हमारे साथ में है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आपकी? हाँ, मेरे को तो हो गया जी 25 साल से ऊपर हो गया। मेरा लड़की भी यहीं पैदा हुआ, यहीं पड़ा, और यहीं पर हमने खेती करा, यहीं पर शादी कराई दे मेरा जवाई के साथ, तो मेरे को तो 25 साल से ऊपर हो गया सब्जी लगाते लगाते। कोई नुकसान या कोई समस्याएं यहाँ पर? समस्या नुकसान तो बहुत है जी, जंगली जानवर सुंगर आ रहा है और सोला आ रहा है, बहुत नुकसान है। नुकसान तो क्या करें, रात भर जुगाली करते हैं, रात भर सोते नहीं है, फिर भी किस्ते मारे खा रहे, नहीं तो रात भर मेरा लड़की जो है रात भर सोते नहीं है,
रात भर जोगा लिटू कर रहे हैं, हल्ला कर रहे, पत्थर मार रहे, फिर भी किस्ते मार रहे, खा रहे, नुकसान तो बहुत करते क्या। भालू रीछ जो बाघ जो आते हैं, बाघ भालू रीछ तो भी नुकसान तो नहीं करा, कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, और आते भी क्यों नहीं है। अरे भाल वो बाघ तो आते रहते यहाँ पर जंगल के सामने है, पर वो सुंगर असोला ने बहुत नुकसान पहुँचा रहे, क्या करना। यहाँ पर जो खेती की हम लोग बात करते हैं, कृषि की हम लोग बात करते हैं, समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जो बंजर खेती कभी हुआ करती थी और लगभग 5-10 सालों से एक प्रयास जो एक जो जन चेतना का जो केंद्र बना हुआ है, ये चमोली ज़िले में आप आएंगे पोखरी बैंड की तरफ ये दाम्पत्य रहते हैं, और लगातार इनका एक प्रयास है, सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा भी ऐसी मदद होनी चाहिए, ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई खेती करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं उसमें नुकसान होता है तो स्वतः रूप से बहुत ही पीड़ा होती है, क्योंकि हमें अपनी मेहनत और जो हमारी जो परिश्रम होता है वो परिश्रम का फल हमें नहीं मिल पाता है, तो ये जायज़ है। और ये पूरा जो दाम्पत्य है, जो पूरी फैमिली है यहीं रहती है, और इनके द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी आते रहते हैं और इनसे भी खतरा बना हुआ रहता है, और इतनी मेहनत लगन के बाद भी यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, जो सुअर हैं, वो काफ़ी फसलों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं जी। और क्या कहेंगे आप जी? और तो आप क्या कहना है सर? पानी कंटिन्यू रहता है आपको? जी पानी तो कंटिन्यू रहता है सर, ये गोपेश्वर से आता है इधर नाला, तो इधर से हमने व्यवस्था कर रखा है, मतलब ये 4 इंची पाइप के लगा के यहाँ खेत में लेके यहाँ से जैसे हम जगह जगह इन खेतों में पूरे में पानी जाने का पूरा व्यवस्था कर रखा है जी। जी, ये थे हमारे संदीप जो कि यहाँ पर इन खेतों को देखते हैं, और खेती आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जो प्रयास स्वतः रूप से एक प्रेरणा का काम करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे, देखते रहिएगा पहाड़ की आवाज़। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।